दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? यार, जो हमने तोरी लगाई थी, तोरी की बेल लगाई थी, उसमें फल आ गया, सब्ज़ी भी होने लगी है। और हमने सोचा है कि हम उनको घर के लिए तोड़ लेते हैं, सब्ज़ी हो जाएगी। तो ये क्या करें, ये हमने पेड़ों पे लगाई हुई है, ये ऊपर बेल जा रही पूरे पेड़ों पर। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इनको तोड़ना शुरू करते हैं। ये देखें, और यहाँ पे भी लगी हुई है। थोड़ी सी ऊंची लगी हुई है, थोड़ी सी टहनी को आवाज नीचे करो, उसके बाद नीचे खुद आ जाएगी। तो खाली करनी है। चल यार, ये यहाँ पे ये पेड़ पे ऊंची काफी ज्यादा लगी हुई है, इसलिए हम उनको डंडे से तोड़ रहे हैं। ये आ गई मेरे पास, कहाँ है भाई? ये पड़ी हुई, तुम भी इधर जाओ। तो फाइनली आज जितनी भी लगी हुई थी वो हमने तोड़ ली हैं। इनको अभी साइड पे रखते हैं और आपको मज़ेदार सब्जियां दिखाते हैं जो हमने पहले लगाई थी, वो भी हमारी उगना शुरू हो गई हैं। देखिए, खेत में खड़ा हूँ, ये जो हमने पहले जहाँ पे सब्जी लगाई थी वो उगना शुरू हो गई है। और जिस भाई ने वो हमारी पहले वीडियो नहीं देखी, उसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा। ये वाली तो पालक है मोहम्मद। हाँ, ये वाली पालक है। ये माशाल्लाह, ये मैंने ना वो चूंटियों की मदद से लगाई थी और ये ऐसे हो रही है, और ये जड़ी बूटी इसमें बहुत ज्यादा हो गई है। इनकी स्प्रे करवाएंगे तो ये सारी खत्म हो जाएंगी। यार, ये तो दो तीन दिन तक तो तोड़ने के काबिल है। ये देखो, ये माशाल्लाह कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए, चौड़े चौड़े। ये दोस्तों चौड़े पत्ते हैं, ये पालक है, घर की पालक हमने लगाई है। और ये भिंडियों के पौधे भी हो गए हैं साथ साथ में। तो तोरियाँ हमने आपके सामने तोड़ी हैं। ये पालक हमने, ये बिल्कुल साफ है, ये हमने सफाई भी करवाई है, ये आपको नज़र आ रही है पालक। और ये सामने कौन सी है, ये मूलियाँ हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी, जिस तरह हमने पार्टीशन की थी खेलियों की, तो हमारी वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हमने किस तरह लगाई है और इनका उगाव कितना बेहतरीन किस्म का हुआ है। ये सामने देखें, बहुत ज़्यादा मूलियाँ उग गई हैं माशाल्लाह से। तो मूली का सालन भी बहुत अच्छा होता है, सलाद के लिए बहुत बेहतरीन है। और ये वाली हैं जी, ये भिंडियाँ हैं, ग्वारा ये भिंडियाँ हैं, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये पूरा हमारी सब्जी का खेत है। 10 से 15 दिनों में हम इसमें खाने के काबिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हमारी वीडियो को लाइक करेगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।